गांधी जी का बयान आए। अब जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है साइंस बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है। ऐसा बात नहीं, इस तरह का आपत्तिजनक बयान एक मुख्यमंत्री के मुंह से कहीं न कहीं बहुत ही अशोभनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। नीतीश कुमार के एक बयान ने भले ही देश भर में तहलका मचा दिया हो, लेकिन उनके सहयोगी उनके खिलाफ नहीं है। सीएम के बयान के कुछ घंटों में ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तो बयान का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि सीएम ने तो कुछ गलत नहीं कहा है, वे तो सिर्फ सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे जो हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं, चकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है साइंस बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट डोंट टेक इट एज अ सेक्स एजुकेशन। लेकिन एक्स सीएम राबड़ी देवी की राय अपने बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से थोड़ी अलग है। राबड़ी देवी का कहना है कि ऐसी बात गलती से नीतीश कुमार के मुंह से निकल गई है, अब उन्होंने माफी मांग ली है। ऐसा बात नहीं, इसके लिए माफी मांग ली। सदन चलने देना चाहिए, बाद में। दूसरी ओर भाजपा की महिला विधायक और विधान पार्षदों ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग से अपने प्रदर्शन की शुरुआत की और अब भी इस पर अड़ी हुई है। देखिए, आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च सदन में बयान देने की जो गलती उन्होंने की है, और एक महिला के सम्मान में, इस तरह का आपत्तिजनक बयान एक मुख्यमंत्री के मुंह से कहीं न कहीं बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि वो भी किसी माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, और महिलाओं पे इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना, यह मुख्यमंत्री जी का जो मार्ग भी ये जो चल रहे हैं और जिस आधार पे ये राजनीति कर रहे हैं, इनके विनाश का समय अब आ चुका है। मैंने आज सुबह भी बयान दिया है, जिस तरह से महिला बहनों को इन्होंने किया है रोड पर अपमानित, और ठंड के मौसम में पानी की बौछार किए, महिलाओं के पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, और ये अपनी पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा ताम्रपत्र ले लिया है, बाकी सारे विषय गौण है, जिस तरह की इन्होंने आज अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी की। और मैं तो उस सदन में बैठने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, शायद उनके सिपे सलार महिलाओं थी, शायद वो महिला नहीं होंगी, लेकिन मैं एक महिला हूँ और मैं ये समझती हूँ कि एक महिला का अपमान एक मुख्यमंत्री के मुंह से होना ये बहुत ही शर्मिंदा का विषय है। निवेदिता जी, ये नीतीश जी ने जो इस तरह का बयान दिया है, निवेदिता जी आप किस तरीके से ले रही हैं? देखिए, बहुत ही निंदनीय है किसी भी सदन में और किसी भी महिला के विषय में इस तरह की आपत्तिजनक बातों को उठाना और रखना, और वो भी किसी सदस्य के माध्यम से नहीं, बिहार के मुखिया ने उठाया है इस शब्दों का। तो बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी अशर्मशार हुई है, अभी तक हम लोगों ने विधानसभा में सुना था, लेकिन आज जब ये विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटा कर कहने की हिम्मत किए हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है, और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी, और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी, क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है, ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है नहीं है। तो कह रहे हैं कि तो सेक्स एजुकेशन की बात है, उसको समझाने की, तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा दे रहे विधानसभा विधान परिषद में? इधर मैडम,
भाई आईडी डिफेंड किया ये कोई विषय है कि आप सेक्स विद्यालय चढ़ाएंगे हाउस में? ये गिने चुने माननीय लोग आते हैं जो आपके सरकार को बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और आप इस तरह के आपत्तिजनक बयान देंगे आप सड़कों पे, जो सारा देश और सारा मीडिया आपको सुन रहा है, आप जाति जनगणना पे बोल रहे हैं, हम लोग समर्थन करते हैं उसका कि हमने भी आपके साथ बैठकर जाति जनगणना का सपोर्ट किया था, उसके लिए सभी लोग बैठकर मुख्यमंत्री की बातों को सुन रहे थे, और उसमें आप एक दो लाइन दो शब्द को विषय को लाने का काम करते हैं, ये कहीं से उचित है क्या? मुझे वो शब्द सुनने का कहीं से कोई इच्छा नहीं थी, मैं सदन से बाहर चली आई, मैं चाहती तो वहां मुख्यमंत्री को जवाब देकर आती, लेकिन मेरे नेता वहां बैठे हुए थे, मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि मैं जवाब दूं। जवाब देने के लिए हम लोग के लिए पार्टी का फोरम है, हमारे अध्यक्ष है, सभी बोलेंगे, और जो आज मुख्यमंत्री जी ने किया है पूरी बिहार की महिला शर्मसार है, और मैं इसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। एक माननीय सदस्य होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते पार्टी उन्हें पूरा समर्थन दे रही है। यही कारण है कि विधानसभा का सत्र तीसरे दिन महज 12 मिनट चलकर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। सदन की कार्यवाही रुकने पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने आगे कहा कि सीएम नीतीश ने माफी भी मांगी है, सदन चलते रहने देना चाहिए, मुख्यमंत्री को अपनी बात का पछतावा है। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।